बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की अदबी रिपोर्ट के साथ मैं समीना जोकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 29-30 अप्रैल 2019 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में इस्तांबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू की जानिब से बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस बानवान मशरिक़ के दो अज़ीम शायर इलामा मोहम्मद इकबाल और मेहमत आकिफ एरसोय का इनकाद हुआ। ये कॉन्फ्रेंस तुर्की की जंग आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने पर तुर्की में होने वाली तकरीबात की एक अहम कड़ी है, जिसका मकसद पाकिस्तान के कौमी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल और तुर्की के कौमी शायर मेहमत आकिफ एरसोय को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ इन दो अजीम मुफक्करों और शायरों के ख्यालात और तसव्वुरात से नौजवान नस्ल को रोशनास कराना था। इस अहम बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताहिया तकरीब में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार मसूद खान मेहमान खुसूसी थे। जनाब सरदार मसूद खान के अलावा तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद सायरस सज्जाद काजी, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अक, अदबियात फैकल्टी के डीन प्रोफेसर डॉक्टर हयाती देवेली और कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया कमेटी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर खलील तोकर ने इलामा मोहम्मद इकबाल और मेहमत आकिफ एरसोय के शायरों से खिताब किया। दो रोजा बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में तुर्की की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से दानिश्वर और अदबा ने भी शिरकत करके अपने मकाले पढ़े। इस बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही नशिस्त से खिताब करते हुए सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार मसूद खान ने फरमाया, इलामा मोहम्मद इकबाल और मेहमत आकिफ एरसोय मशरिक के दो अजीम शायरों ने अपनी शायरी को नौ आबादियाती निज़ाम और जहनी इस्तिस्मार के खिलाफ आलमी इस्लाम में जद्दोजहद की नई रूह फोंकने के लिए वक्फ कर दिया था और इनकी शायरी मुस्लिम उम्मा की जहनी गुलामी से आज़ादी और इन्हें नई सिमत दिखाने में बहुत अहम साबित हुई। मजीद बरा उन्होंने हुकूमत तुर्की और अहले तुर्की को मुस्लिम कश्मीरियों के साथ जुल्म के खिलाफ खड़ा होने पर खराज तहसीन पेश किया और बिलखसूस आलमी इस्लाम के मसाइल और मसला कश्मीर के सिलसिले में, जबकि तमाम आलमी बरादरी खामोशी इख्तियार किए बैठी है, इस वक्त तुर्की के सदर मोहतरम जनाब रजब तैयब अर्दवान की आवाज़ बुलंद करने पर इनकी कायदाना सलाहियतों को सराहा। तुर्की में मुकीम पाकिस्तान के सफीर जनाब मोहम्मद सायरस काजी साहब ने अपने खिताब में पाकिस्तान के कौमी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल और तुर्की के कौमी तराना के मुसन्निफ मेहमत आकिफ एरसोय का अपनी अपनी कौमों की आज़ादी की जद्दोजहद में जो किरदार है, इसका जिक्र करते हुए कहा कि इन अजीम शायरों ने आलमी इस्लाम में निशास्ता सानिया की सही लायसल करके मुस्लिम उम्मा में आज़ादी और खुद मुख्तारी की उमंगों को मजीद तकवीत दी। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन को दिली मुबारकबाद पेश की। इसके साथ हमारी आज की अदबी रिपोर्ट का इख्तिताम हुआ चाहता है। एक नई रिपोर्ट के साथ अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।